बहुत सारे लोग हैं जो रात को बड़ा पक्का इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह वक्त पे उठूंगा और नवाफल भी पढ़ूंगा और नमाज भी अदा करूंगा, लेकिन जब सुबह होती है तो उन्हें या तो जाग नहीं आती या नींद से बेदार हो जाते हैं, बिस्तर से उठा नहीं जाता। जबकि वही शख्स, उन्होंने सुबह सब्ज़ी मंडी जाना हो तो छलांग लगा के उठते हैं और सब्ज़ी मंडी पहुँचते भी हैं। सुस्ती, तबीयत का कसल नहीं होता। अमूमी तौर पर हम अपने आप को बीमार तसव्वुर कर लेते हैं और सुस्ती और कसल का नाम दे करके, बहाना दे करके हम कहते हैं कि बस क्या करें, हमको इरादा करते हैं रोज़ लेकिन हमसे उठा नहीं जाता, बस तबीयत इस तरह की है, कसल है, सुस्ती है। ये बात जहन में रखिएगा कि इरादा करने के बावजूद भी सुबह जब हम उठ नहीं पाते या कोई भी नेकी का काम हम करने का इरादा करते हैं तो इरादा करने के बावजूद इरादा ही रह जाता है, हम कर नहीं पाते। तो इसका सबब यह होता है कि बहुत सारे हम गुनाह कर चुके हैं और उन गुनाहों की वजह से हम नेकी की तौफीक नहीं पाते। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही वजह इसकी बयान फरमाई है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि तौबा की जाए और तौबा भी सच्चे दिल से की जाए, रो रो के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और सच्चे दिल से जब तौबा की जाए तो फिर सारे गुनाह न सिर्फ मिटा दिए जाते हैं बल्कि उनको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है।